हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माध्यमा अकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10th का, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक नया मेथड से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। हम लोग ने तीन मेथड ऑलरेडी पढ़ लिया स्टूडेंट्स। कौन कौन सा मेथड? पहला मेथड हम लोग ने पढ़ा है एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग ऑफ कोफिशियंट, जो यहाँ पे आपको डायरेक्टली टू वेरिएबल्स आपका दिया रहता था लीनियर इक्वेशन का, हम उसको सॉल्व करके एक्स और वाई का आंसर लेकर आते थे, ठीक है। दूसरा मेथड हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, जो आपको डायरेक्टली शो करके दिया रहता था कि ये ग्राफ मेथड से आपको शो करने का है, ग्राफ मेथड से आपको सॉल्व करने का है, ठीक है। हम लोग ने लास्ट के टू वीडियोस के अंदर हम लोग ने क्रेमर्स रूल पढ़ा था, गैब्रियल क्रेमर, जो मैंने आपको बताया कि उसकी हिस्ट्री पूरा बताया था मैंने आपको, और उसने कैसे कैसे ये फॉर्मूले को डिस्कवर किया है, वो सब चीज हम लोग देखे है। और वो फॉर्मूला भी हम लोग ने पढ़ लिया था एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए, dx और dy कैसे फाइंड आउट करने का है, और d कैसे फाइंड आउट करना, d दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट फाइंड हुआ, dx dy फाइंड हुआ, तो x और y भी हम लोग ने इजी वे में फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। अभी जो आज के एक्सरसाइज है, ये हमको एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग, एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का है। क्या है? सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, इक्वेशन दिया है, फिर क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया, 2 upon x - 3 upon y = 15। दूसरा इक्वेशन क्या दिया, 8 upon x + 5 upon y = 77। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया है, ट्विस्ट क्या दिया है कि ये जो क्वेश्चन दिया, कैसे पता चलेगा हमको कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का है? अगर हम रिवाइंड थोड़ा पीछे जाए, एक्सरसाइज 1.1 में जाए, वहां पे आपको दो इक्वेशन दिया, फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपको दो इक्वेशन क्या दिया है, 2x + 3y = 19। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, 2x + 3y = 19, और क्या है, 3x + 9y = 17। ये आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहां पे भी आपको बोला गया है कि सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर देखिए क्रेमर्स रूल्स अगर डायरेक्ट बोला तो क्रेमर्स रूल से आप सॉल्व करके पता लगा सकते हैं, ग्राफ मेथड मीन्स ग्राफिकली मेथड से अगर बोला तो डायरेक्टली आप ग्राफ मेथड से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन रिमेनिंग दो मेथड जो बचा, कौन सा दो मेथड, एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग ऑफ कोफिशियंट, मतलब कोफिशियंट को इक्वेट करने का, जो हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व किया है, और दूसरा जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कैसा पता चलेगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और इक्वेटिंग मेथड ये दोनों सॉल्व कैसे होगा? देखिए, एक इक्वेशन ये दिया फॉर एग्जाम्पल, और एक इक्वेशन ये दिया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली यही इक्वेशन का बोला गया है कि सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल दिया गया है, लेकिन आप किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट मेथड से? दैट इज बिग टास्क, ये सबसे बड़ा आपका चैलेंजिंग टास्क है कि मेथड से सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। अब इस टाइप का ध्यान रखेंगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब क्या, ये जो क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है 2 upon x - 3 upon y। अब देखिए, एक चीज मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, जनरल फॉर्मूला, ax + by = c। ये आपको स्टार्ट की, ये जब से आपका एक्सरसाइज चालू हुआ, एक्सरसाइज कौन सा, जब से ये चैप्टर चालू हुआ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, आपको हमेशा स्टार्ट से ये याद रखना कंपलसरी है। ये आपको समझ में आ गया तो रिमेनिंग दो मेथड जो बात बता रहा हूं आपको, वो भी आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन को अगर मैं ये इक्वेशन को अगर इक्वेट करता हूं, इक्वेट मतलब कंपेयर करता हूं मैं, ax + by = c, समझ में आया? देखिए, ये इक्वेशन को मैं इक्वेट करता हूं, अगर ये इक्वेशन को कैसा दिया हुआ यहाँ पे, ध्यान दीजिए, 2 upon x - 3 upon y = 15। अब मैंने क्या बताया था कि x और y को हमेशा डिनोमिनेटर में नहीं रखने का, मल्टीप्लाई में रखने का, डिवाइड में नहीं रखने का। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा बताया था, ध्यान होगा आपको कि जब नीचे नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और नीचे का नीचे साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे हो जाएगा, ये 2y - 3x / x - y = 15। ओके, समझ में आया? इसके बाद अभी मैं इसको एडजस्ट करके बरोबर करूं, -2y - 3x = अब ये देखिए एक्स वाई डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15xy, समझ में आया, 15xy। उसके बाद देखिए, अभी मैं इसको एडजस्टमेंट करूंगा, ये -3x है उधर लेके जाता हूं, +3x, ये प्लस है उधर लेके जाऊंगा, -2y, अब ये प्लस में, ये ऑलरेडी +15xy = 0, समझ में आया कैसे हुआ? देखिए, -3x था राइट साइड में, जा गया प्लस हो गया, ये प्लस था राइट साइड में, गया माइनस हो गया, और राइट साइड में जाने के बाद ये ऑलरेडी राइट साइड में है, तो +15x = 0। अब देखिए, ये इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, ax तो मिल गया, by भी मिल गया, ये 15xy कहां से आया, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ये 15xy जो है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं,
ये कहां से आया, ये जब ये जनरल फॉर्मूले को कंपेयर करने के बाद नहीं मिल रहा है, मतलब क्या पता चला कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसा करना पड़ेगा आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर डायरेक्टली आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जब भी आपका इक्वेशन दिया रहे और इक्वेशन के नीचे डिवाइड में एक्स और वाई दिया रहेगा, या फिर एक्स या वाई दोनों दिया रहेगा, ठीक है, एक्स और वाई दिया रहा है, तो ऐसे इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? देखिए अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। डायरेक्टली अगर ऐसा इक्वेशन दिया तो आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, कोफिशियंट ऑफ इक्वेटिंग मेथड से, इक्वेट करना आपको। इक्वेटिंग कैसे करने का है ये मैंने एक्सरसाइज 1.1 में सिखाया आपको। अगर नहीं देखे हो वीडियो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप वॉच कर ले, ठीक है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको डिवाइड में, डिवाइड किसको बोलते हैं, ये नीचे का पार्ट जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इट्स कॉल्ड डिवाइड। डिवाइड में आपको एक्स और वाई दिया हुआ अगर, ठीक है, दोनों दिया हुआ साथ में, तो डायरेक्ट मेथड आर यूज्ड और सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आया? तो इस मेथड को आप कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। समझ में आया? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, अब ये मेथड जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी यूज होता है स्टूडेंट, तो एक चीज ध्यान में रखेंगे कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है। थोड़ा सा बड़ा क्यों होगा? क्योंकि सब्स्टिट्यूट हम लोग करेंगे और वो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू का आंसर मिलेगा, लेकिन वो आंसर हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपको रीसब्स्टिट्यूट और करना रहेगा। जब हम लोग करेंगे तो अभी ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे करना क्या, आपको डायरेक्टली मैं आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, आंसर डायरेक्टली चालू करता हूँ, 2 upon x minus 3 upon y = 15। क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर वन दे दिया। दूसरा देखिए क्या है, 8 upon x minus plus 5 upon y = क्या दिया हुआ है, 77। इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर टू। यहां तक तो हम लोग एज इट इज लिखते, कुछ भी चेंजेस नहीं करते। अब यहां पे करना आपको लेट, क्या मानने का है, मानने का अपने को क्या मानने का है, लेट m इज इक्वल टू 1 upon x। समझ में आया? आप m मानिए, a मानिए, b मानिए, जो भी आपको कहा दिल करता है जो मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड n इज इक्वल टू 1 upon y। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या मान लिया, मैंने क्या कंसिडर किया कि m इज इक्वल टू 1 upon x है एंड n इज इक्वल टू 1 upon y है। समझ में आया? तो अभी देखिए ये कैसा लिखा हुआ है, 2 upon जो x लिखा है ये कैसा लिखा हुआ है, 2 into 1 upon x लिखा है, ऐसा लिखा है ना, 2 upon x लिखा है, मतलब ऐसा लिखा है, या फिर डायरेक्टली देखिए ये ऐसा हुआ है 2 upon x। समझ में आया? इसको आप ऐसा लिखो, ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, बोथ आर सेम, दोनों सेम, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये 1 upon x की जगह मैंने क्या मान लिया है, m मान लिया है। समझ में आया? सेम यहाँ पे देखिए 3 upon y जो लिखा हुआ है माइनस के साथ, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 upon y को और कैसे लिखता हूँ, -3 into 1 upon y। समझ में आया? इसको ऐसे केस में भी लिखा हुआ है, 3 upon y लिखिए या 3 into 1 upon y, बहुत आर सेम, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बचेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए m मैंने कंसिडर किया है, अब m जब कंसिडर किया तो जितना भी 1 upon x है दैट इज कॉल्ड m। समझ में आया? तो 2m, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। समझ में आया? अभी देखिए इक्वेशन नंबर 2 भी ऐसी होने वाला है, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 77। समझ में आया? देखिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये कैसा बन गया, अभी नॉर्मल कैसा बन गया, एक्सरसाइज 1.1 जैसा हम लोग ने सॉल्व किया था। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको करना किसके है, इक्वेटिंग ऑफ कोफिशियंट, कोफिशियंट को इक्वेट करते थे, सेम वही मेथड से सॉल्व करने का। समझ में आया? यहाँ पे सॉल्व करने का जो तरीका है सेम हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में जैसा यूज किए सेम वैसे ही करने का, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। क्या पहले देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों में से आपको दोनों में सेम डिजिट होना जरूरी है। समझ में आया? अब सेम डिजिट अगर नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा। पहले देख लेते 2m 3m 8m 5m, कोई भी सेम नहीं है। समझ में आया? यहां सेम होना जरूरी नहीं है, लेफ्ट साइड में मीन्स जिसके पास वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, m एंड n, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। समझ में आया? यहां पे देखिए, अब देखिए अगर मैं ये वाले इक्वेशन के अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, अगर ये वाले इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 3 के अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 2 8, मतलब 8 और 8 सेम हो जाएगा, तो वहां पे हमको मिल जाएगा जो मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8m हो जाएगा, माइनस 4 से यहां पे करेंगे तो कितना जाएगा, 12m इज इक्वल टू यहाँ पे कितना करेंगे, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 4 जाए कितना हो जाएगा, 60। इसको मैं क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 5।
अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर थ्री जो है इनवैलिड हो गए, इनवैलिड मीन एक्सपायर हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर थ्री हमारे कोई काम का नहीं रहा। कौन सा इक्वेशन? अब इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव काम का है। समझ में आया? अब ये दो के अंदर चेक कीजिए कि डिजिट सेम मिल रहा है कि नहीं। देखिए एटीएम एटीएम सेम मिल गया, मतलब अब सेम मिलने के बाद और क्या चेक करना है आपको? साइन चेक करना है। साइन अगर सिमिलर आया तो सब्ट्रैक्ट करने का है, अगर डिफरेंट आया तो क्या करना है? एडिशन करने का है। देखिए जो सिमिलर आया, जो साइन सेम आया, जो डिजिट सेम आया उसी की साइन चेक करने का, ठीक है? एटीएम एटीएम सेम आया। अब एटीएम के पास क्या है? प्लस। प्लस कैसे पता चला? लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस। एवरी डिजिट हैविंग द साइन इन द लेफ्ट साइड, हर डिजिट लेफ्ट साइड में ही साइन रखता है, याद रखो, ठीक है? एटीएम एटीएम लेफ्ट साइड में क्या है? इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस। इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस। अब सेम सेम आया, मतलब प्लस प्लस सेम ही सेम हुआ ना, सेम सेम आया तो क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करने का है। तो यहां पे क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फोर फ्रॉम फाइव, फोर फ्रॉम फाइव से, मतलब फोर को फाइव से आपको सब्ट्रैक्ट करने का है। तो सबसे पहले फाइव लिखूंगा मैं, क्योंकि फाइव से करने का है। तो क्या लिखूंगा? एट एम माइनस ट्वेल्व एन माइनस, ओके, एट एम। अब देखिए ये वाले को हमेशा ब्रैकेट में रखने का है, प्लस फाइव एन क्यूब ब्रैकेट में रखने का, ये भी मैंने आपको बताया है। इज इक्वल टू क्या करूंगा? सिक्सटी माइनस सेवनटी सेवन। समझ में आया? अभी देखिए क्या करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एट एम माइनस ट्वेल्व एन माइनस एट एम। अब देखिए यहां माइनस था, इसके पास प्लस है। ब्रैकेट मतलब क्या? इट्स कॉल्ड मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट आर यूज फॉर द मल्टीप्लाइड। यहां माइनस यहां प्लस, बीच में मल्टीप्लाई है। देखिए माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस होता है, याद कीजिए जरा। और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस होता है, याद होगा जरा। ये साइन मैंने आपको फर्स्ट टू सेकंड लेक्चर के अंदर ही बताया था कि कैसे यूज किया जाता है, ठीक है? ये माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। अब ये प्लस और माइनस यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब माइनस फाइन यहाँ पे भी हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसका इसका माइनस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या था? माइनस। यहाँ क्या बचेगा? माइनस सेवनटीन। माइनस सेवनटीन क्यों बचेगा? क्योंकि बड़े डिजिट के पास माइनस है तो माइनस ही ऑब्वियसली लिखा जाएगा। समझ में आया? अभी देखिए क्या करना है, एट एम एट एम कैंसल, कैसे? क्योंकि प्लस एट एम माइनस एट एम, दैट इज कॉल्ड जीरो। समझ में आया? अब यहां पे क्या होगा, देखिए माइनस बारह क्या है? माइनस ट्वेल्व एन माइनस फाइव एन, माइनस ट्वेल्व एन माइनस फाइव एन, ओके। अब देखिए माइनस में है और ये भी माइनस में, मतलब क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन साइन किसकी लगेगी? माइनस की। याद कीजिए एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, माइनस और माइनस इज इक्वल टू माइनस होगा। यहाँ पे मैंने कोई भी साइन यूज नहीं किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी साइन यूज नहीं किया था मैंने, ठीक है? तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, क्या होगा? माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे एडिशन होगा। सेम अगर हम लोग और एक लॉजिक से याद रखे, बारह रुपए किसी से हमने उधार लिया है, पांच रुपए और किसी से उधार ले रहा हूं मैं, तो हमें हमारा जो है वो लॉस में ही रहने वाला, प्रॉफिट में आएगा क्या? हम फायदे में रहेंगे क्या? नहीं, नुकसान में ही रहने वाले, ठीक है? बारह पांच कितना हो गया? सत्रह, एंड कितना हो गया? माइनस सेवनटीन। अब देखिए ये माइनस हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा? एन इज इक्वल टू ये सेवनटीन मल्टीप्लाइड में राइट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो सेवनटीन डिवाइडेड बाय सेवनटीन क्या बचा? एन इज इक्वल टू क्या आ गया? वन। समझ में आया? एन इज इक्वल टू क्या आ गया? वन आ गया। अब सेम क्या निकालना है? एन इज एम, एन तो निकल गया, अभी और क्या निकालना है आपको? एम निकालने का, क्योंकि एम भी तो है यहाँ पे। समझ में आया? अब एन इज इक्वल टू आप कोई भी इक्वेशन में पुटअप कीजिए, कोई भी, मतलब एक दो तीन, एक थ्री फोर फाइव, फाइव थ्री फोर फाइव, तीन इक्वेशन के अंदर, कोई भी इक्वेशन के अंदर आप एन की वैल्यू पुटअप कीजिए, आपको एम की वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन पुटअप किसमें करने का, वो आपके ऊपर चॉइस है, जिसमें आपको इजी लगता है, बेस्ट लगता है, उसमें पुटअप कीजिए। तो मैं चलिए मैं एन इज इक्वल टू वन पुटिंग इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर पुटअप कर देता हूं, ठीक है? इक्वेशन नंबर थ्री यहां पे है, तो क्या हुआ? टू एम माइनस थ्री इंटू वन इज इक्वल टू फिफ्टीन, ओके, टू एम इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस थ्री हो जाएगा। अभी देखिए प्लस में कैसे है, ये माइनस लेफ्ट साइड में था, थ्री बन जाए थ्री, समझ में आया? माइनस लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस कैसे पता चला? ये देखिए जो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में साइन प्लस है, मतलब ये प्लस में आ गया। समझ में आया? अब टू एम इज इक्वल टू क्या हो गया? फिफ्टीन प्लस थ्री कितना होता है? एटीन। तो एम इज इक्वल टू एटीन डिवाइडेड बाय टू, डिवाइड में आएगा ना कि मल्टीप्लाई में? डिवाइड में आएगा, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। टू वन जा टू, टू नाइन जा एटीन, तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया? नाइन। समझ में आ गया? आंसर हो गया क्या? आंसर हो गया क्या? मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, हुआ कि नहीं हुआ? एम इज इक्वल टू नाइन एंड एन इज इक्वल टू वन, आंसर हो गया क्या? हो गया क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वेरिएबल्स दिया हुआ है वो एक्स और वाई दिया हुआ है, और हमने आंसर किस में फाइंड आउट किया है, एम और एन में, मतलब हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा आंसर अभी भी रॉन्ग है, समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, जो हमने एक्स वाई को यहाँ पे कंसिडर किया था उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट ओके, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम एंड वन अपॉन वाई इज इक्वल टू एन। ये लिखना बहुत मस्त है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं करेंगे आप तो यहाँ पे आपके हाफ मार्क्स कट होने के चांसेस पूरे पूरे है, ठीक है। मतलब क्या पता चला, m की जगह 1 अपॉन x रखना है, n की जगह 1 अपॉन y रखना है, तो m क्या है यहाँ पे 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9, समझ में आया, और n की जगह क्या रखना है 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, समझ में आया। अभी देखिए करना क्या आपको, x 1 अपॉन x आंसर लाना रहता है क्या, नहीं, अपने को क्या लाना रहता है, x इज इक्वल टू लाना रहता है, ऐसा जो भी एक वैल्यू लाना रहता है वो x में, ऐसा कभी लाना रहता है क्या 1 अपॉन x, ऐसा कभी रहता है नहीं, ऐसे फॉर्म में रहता है, मतलब ये आपको ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे ऊपर ले जाने का तरीका क्या है, अगर मैं x को यहाँ पे लेके चले जाऊं और 9 यहाँ पे लेके चले जाऊं तो देखिए कैसा हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू x हो जाएगा, समझ में आया कैसे बोल रहा हूँ, x यहाँ पे चलेगा, 9 यहाँ पे, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाइड में था डिवाइड में चले गया, मल्टीप्लाइड में था मतलब ये नीचे चले गया, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाइड में कैसे हुआ, देखिए मल्टीप्लाइड में हुआ कैसे, मैंने आपको समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कैसे हुआ ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले गया तो 1 इज इक्वल टू 9x हो गया, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई हो गया, समझ में आया। अभी देखिए ये पार्ट का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहां तक बच्चे करने के बाद समझते हैं कि आंसर आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। आपको कैसे समझ में आंसर आया, जब तक आपको वेरिएबल्स आपका क्या दिया हुआ, एक्स वाई के फॉर्म में, आपने निकाला किसमें, एम एन का, इट इज अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गुड इसलिए है क्योंकि ये वेरिएबल्स आपको एक्स वाई में निकालना था, आपने एम एन में निकाला है, तो ये रॉन्ग भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट करने का है, 1 अपॉन x जो भी आपने कंसिडर किया, अगर एम कंसिडर किया तो एम लीजिए, एन किए तो एन, जो भी आपने कंसिडर किया, ऐसा नहीं कि मैं एम एन किया तो आप भी एम एन किए, आप ए भी कर लीजिए, एक्स वाई की जगह आपने कुछ और कर लीजिए, पी क्यू कर लीजिए, जो भी आपका दिल बोलता है वो कीजिए, ठीक है। अभी देखिए ये क्या हो गया, 9x इज इक्वल टू 1 ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1। देखिए y का आंसर तो डायरेक्टली मिल गया क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे x का आंसर मिलने के लिए हमको ये हटाना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। 9 कैसे हुआ, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में है, नीचे जाकर तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर, समझ में आया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ, सेम वही फोर मेथड से करने हैं, कैसे पता चला वही मेथड से करने गए, क्योंकि यहाँ पे नीचे दो है एक्स वाई यहाँ पे आपको डायरेक्टली इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है। अगर इजी वे में डायरेक्ट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी दिया रहता, मतलब ये जनरल के फॉर्मुले में दिया रहता, तो आप पहले किससे करते, डायरेक्टली कोफिशियंट ऑफ इक्वेटिंग मेथड से जो हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करके थे, सेम वही मेथड से करना था, ठीक है। लेकिन अभी इसको क्या करेंगे, सेम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे सेम मैं मान लेता हूँ, लेट m इज इक्वल टू क्या मानना है, m इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस y ओके, एंड n इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, 1 अपॉन x माइनस y, समझ में आया। मतलब क्या, 1 अपॉन x प्लस y जहां जहां भी है वहां पे m लिखेंगे, 1 अपॉन x माइनस y जहां जहां पर भी है वहां आपको क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, समझ में आया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x सॉरी x नहीं, यहाँ पे मैंने क्या माना, यहाँ पे m माना हुआ है ओके, जो भी आप मान रहे हो वही लिखना, आपको कुछ भी अलग नहीं करने का है। 10m प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4, समझ में आया। देखिए आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं जरा ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन को मैं एक और मेथड से लिख सकता हूं, 5 इंटू 2m प्लस 2 इंटू 1n इज इक्वल टू 4, समझ में आया, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। अभी देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, समझ में आया। हम लोग ने प्रीवियस जो वीडियो देखे थे, प्रीवियस जो लेक्चर देखे थे हम लोग ने, वहां पे कॉमन लेने के साथ साथ एक क्वेश्चन किया था, याद होगा आपको। तो मगर यहाँ पे कॉमन, अगर आप कॉमन नहीं लेते हो तो भी आपका आंसर राइट आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम ये होगा कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो टाइम से थोड़ा डिजिट बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिसिटी आ जाता है। कॉम्प्लिसिटी क्या आएगा कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ये करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा यहाँ पे, 5m प्लस n, 1n लिखिए या n लिखिए, दैट इज बोथ आर सेम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1n ही है, ठीक है, इज इक्वल टू 4 ओके। यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा, 5m प्लस
एन इज इक्वल टू टू बचा, इक्वेशन नंबर थ्री दे दिया। टू कैसे बचा, ये टू था, डिवाइड में चले गया फोर के, बराबर, तो फोर डिवाइड बाय टू आया, तो फोर डिवाइडेड बाय टू जब आया तो इज इक्वल टू क्या बचेगा, टू ही बचेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया? अभी देखिए ये इक्वेशन को मैंने ऐसा लिखा, अभी देखिए ये इक्वेशन की बात आ गई, अभी ये इक्वेशन है तो कैसे लिखूंगा, 15m माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 2। इसको देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम लोग ये चीज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं 5 कॉमन ले ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो पहले 3 की बात करूंगा, 5 बाद में बात करता हूँ। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ, 3 5 जा 15, मतलब 3 यहां से निकलेगा, यहां से 3 निकलेगा क्या, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 5 होता है क्या, नहीं, मतलब 3 ये दोनों में से कॉमन नहीं निकलेगा। अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ, 5 कॉमन लूंगा तो 5 3 जा 15 यहां से भी निकल जाएगा, 5 यहां से भी निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज आता है कि यहां से कॉमन तो निकला, लेकिन यहाँ पे डिवाइड होगा क्या, 2 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू अदर्स, इसके मुकाबले में ये काम यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डिवाइड में अगर डिजिट आती है तो वहां पे आपको प्लस माइनस करने में और प्रॉब्लम आएगा। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि कॉमन निकला दैट इज चैलेंज कम्प्लीट, चैलेंज कम्प्लीट नहीं होगा। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे डिवाइड भी होना मस्ट है। देख कैसे यहाँ पे, जैसे हम लोग ने यहाँ पे 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे देखिए डिवाइड के तो वो भी कट गया। ऐसा नहीं था, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 रहता, समझ में आया, यहाँ पे क्या रहता 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता, 3 डिवाइडेड बाई 2 आता, दैट इज मोर कॉम्प्लिकेशन। समझ में आया? ये मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता क्योंकि डिवाइड में है, डिवाइड में आपको प्लस माइनस करना और ज्यादा चैलेंज आएगा। अभी चैलेंज आएगा लेकिन अभी जब एलिवेंट ट्वेल्थ में पढ़ेंगे तो ये इट इज अ कॉमन फैक्टर, ये कॉमन हो जाएगा आपको। ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना इजी होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग इजी मेथड से पूरा पूरा करेंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे क्या था, 2 था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 था। समझ में आया? अभी देखिए करना क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉमन नहीं लूंगा। समझ में आया? यहाँ पे कॉमन क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड इट इज अ मोर चैलेंजिंग टास्क फॉर दी सॉल्यूशन के लिए। समझ में आया? अभी करना क्या, देखिए सेम क्या करना, आपको चेक करना दोनों में डिजिट सेम है कि नहीं, 5m 15m n 5n, ये 5n यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब ये 5 जो यहाँ पे होना चाहिए। देखिए ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि देखिए सर यहाँ पे बोलेंगे आप लोग यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 आ गया ना, अभी हो गया ना, ऐसा नहीं है। m के पास अगर 5 है तो m के पास ही 5 होना चाहिए। समझ में आया? तो अब मैं देखिए यहाँ पे दो मेथड से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ ये इक्वेशन के अंदर, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 15 15 7 हो जाएगा, 15 15 सेम हो जाएगा। और अगर ये मेथड अगर चाहो तो ये भी कर सकते हो 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये इक्वेशन के अंदर, तो 5 5 जा 25, लेकिन यहाँ पे 5 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? लेकिन एक चैलेंज और आता है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे प्लस प्लस है, आपको सब्ट्रैक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक, दैट इज कॉल्ड माइनस। लेकिन अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये प्लस माइनस आएगा, डिफरेंट साइन आने की वजह से एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन इज अ इजी मेथड एज कम्पेयर टू सब्ट्रैक्शन मेथड। पास है 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 इन इक्वेशन थर्ड। ओके, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 5 से कर सकते हैं, आप 3 से भी करेंगे तो भी होगा, लेकिन मैं 3 से मैं 5 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे को एडिशन करने की जरूरत पड़े। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, और वो टाइम पे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ये ध्यान में रखना है आपको, ये छोटी छोटी लॉजिक जो चीजें है ना, ये याद कर रखेंगे आप लोग तो आपको जो सॉल्यूशन करने में वो इजी जाता है, ठीक है? और अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी से कोशिश कीजिए ताकि 11th में आपको प्रॉब्लम ना हो ये सब छोटी छोटी चीजें याद करने में, ठीक है? क्या हो जाएगा, अभी देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 25m प्लस 5n इज इक्वल टू 5 टू जा 10, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इज वैलिड, इक्वेशन नंबर 3 1 2 इज एक्सपायर्ड, मतलब एक्सपायर मीन इनवैलिड, मतलब अभी वो कोई काम करनी है, अभी वो कोई काम करनी है। क्या करूंगा मैं, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। देखिए एड करने में आप इक्वेशन 4 और 5 को आगे पीछे कैसा भी लिखेगा चलेगा, मैंने आपको बार बार बताया है कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे लिखो तो चलेगा, लेकिन माइनस और डिवाइड में आगे पीछे लिखेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है? देखिए एडिशन में इक्वेशन नंबर 4 या 5 पहले लिखे कोई भी चलेगा, 15m माइनस 5m, किसका क्या करना है, एडिंग करना है, ये प्लस लिखा मैंने, प्लस 25m प्लस 5n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, माइनस टू प्लस 10। ओके, क्योंकि ये माइनस टू और यहाँ प्लस लगा, जो प्लस हम लोग एडिशन कर रहे हैं
प्लस टेन, समझ में आया। अभी देखिए करना क्या आपको, ये प्लस फाइव एन, ये माइनस फाइव एन कैंसिल हो गया, समझ में आया। तो फिफ्टीन एन प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब प्लस प्लस प्लस, तो फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव कितना हो गया फोर्टी एन, कितना हो गया फोर्टी एम, समझ में आया। अभी यहां क्या हो जाएगा, फोर्टी एम इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा माइनस एट, माइनस एट होगा कि प्लस एट, प्लस एट होगा क्योंकि बड़ी डिजिट कौन सी है टेन, टेन के पास कौन सी साइन है प्लस की, समझ में आया। अब देखिए एम इज इक्वल टू एट डिवाइडेड बाय फोर्टी, समझ में आया। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले छोटी डिजिट से कट करने का, टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, मतलब कितना यहाँ पे ट्वेंटी बचा, टू टू जा फोर, टू टेन जा ट्वेंटी, टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन, मतलब कितना आया वन डिवाइडेड बाय फाइव आया। तो एम की वैल्यू क्या आ गई, एम की वैल्यू क्या आ गई वन डिवाइडेड फाइव फाइव। अब एम की वैल्यू नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए वन अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू, मतलब वन अपॉन एक्स प्लस वाई आपको लिखने का, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो ये हमको अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए वैलिड है, समझ में आया। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा कैसे है क्योंकि यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव, कोई भी इक्वेशन के अंदर पुटअप कीजिए, कोई भी मतलब जहां पे एम और एन है, ये इक्वेशन के अंदर नहीं पुटअप कर सकते हम क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू है। तो मतलब थ्री फोर फाइव, इसके अंदर तीनों में कोई भी पुटअप कीजिए, एम इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव, पुटिंग इन इक्वेशन, इक्वेशन किसके अंदर थ्री के अंदर पुटअप किया मैंने, तो देखिए फाइव इंटू वन अपॉन फाइव प्लस एन इज इक्वल टू टू, तो ये फाइव और ये फाइव कैंसिल हो गया, समझ में आया। तो वन प्लस एन इज इक्वल टू क्या बचा टू, तो एन इज इक्वल टू टू, इसके पास क्या है प्लस है, लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या हो जाएगा माइनस, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया वन, समझ में आया। एम और एन की वैल्यू यहाँ पे आपको पता चल गई। अभी देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट ये लिखना मस्ट है, सब्स्टिट्यूट वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या एम, क्योंकि प्लस वाले जो साथ है वहां पे एम लिखे और जो माइनस के साथ है वो किसके साथ लिखा हो एन, एंड वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या एन, समझ में आया। तो अभी एम की जगह वन अपॉन एक्स प्लस वाई लिखिए, एन की जगह क्या लिखना वन अपॉन एक्स माइनस वाई, समझा। तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, और दूसरा क्या है यहाँ पे वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है वन है, समझ गया। तो ये दोनों पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बता सकूं। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ने लिखा, अब इसको हमको सॉल्व क्या करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे आंसर निकालते हैं दैट इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे वन अपॉन एक्स प्लस वाई, ओके। यहाँ पे देखिए एम की वैल्यू जो थी वो फाइव नहीं थी, वन अपॉन फाइव दिया हुआ, ये ध्यान में रखेंगे, एक चीज की कंफ्यूजन की वजह से आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है, ठीक है। तो वन अपॉन एक्स प्लस फाइव, अब यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे वन इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे लिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइड वन इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए दूसरे साइड में क्या है वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ओके, क्योंकि वन है एक्स माइनस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो डेट इज कॉल्ड वन, वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सेम यहाँ पे वेरिएबल्स आने वाला है। अब देखिए एक चीज, वन अपॉन फाइव कैसे है डिवाइड में, मतलब फाइव कैसे डिवाइड में, राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड। याद रखिए मैंने आपको बार बार बताया ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही होगा, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी वो टाइम आ गया है, फाइव जो है डिवाइड में लेफ्ट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड, तो फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ओके। और यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ऐसा लिख सकता हूँ ना, चलेगा, आगे पीछे इधर उधर लिखेंगे चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्म एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ऐसा भी लिख लिए, ठीक है। अभी मैं देखिए इसको इक्वेशन नंबर सिक्स देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेवन देता हूँ, क्योंकि फाइव मैंने फाइव तक ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। अभी देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव, सेम वही केस आया, आपको सेम वही देखना है, डिजिट सेम है कि नहीं, सेम है। देखिए एक्स एक्स के पास वन वन है, सेम है, वाई वाई के पास भी वन वन है, सेम है, मतलब आप एडिशन कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए आपके ऊपर है, कैसे, क्योंकि अगर एक्स एक्स का लेंगे तो एडिशन करना पड़ेगा आपको, तो एडिशन सॉरी अगर एक्स एक्स का लेंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू मिलेगी पहले। कुछ भी कीजिए, एडिशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कीजिए या सब्ट्रैक्शन कीजिए, तो मैं यहाँ पे एडिशन करता हूँ, ठीक है। एडिंग एडिंग इक्वेशन फाइव सॉरी इक्वेशन सिक्स एंड इक्वेशन सेवन, कैसे पता चला हमको एडिंग करने का है, वाई के पास माइनस वन है, वाई के पास प्लस है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट साइन है, और वाई के पास वन वन है, तो डिफरेंट साइन आने की वजह से क्या करना है एड करना है, समझ में आया। तो एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए वन प्लस फाइव, समझ में आया। कुछ भी आगे पीछे लिखिए, प्लस में चलेगा, कोई इशू नहीं है, वाई वाई कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कितना हो गया एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए फाइव वन कितना हो गया सिक्स,
एक्स एक्स कितना हो गया 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 6, समझ में आया। तो x इज इक्वल टू अभी कितना आया 6 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू कितना आया 3, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ f। x कहीं चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे x प्लस हुआ है, समझ में आया। अभी देखिए x इज इक्वल टू 3 जो है, x इज इक्वल टू 3 पुट करना है आपको, और वो पुटिंग किस में कर सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 में करेंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पे m और n है, जबकि यहाँ पे x और y है, जबकि आपको x की वैल्यू ही पुटअप करना है। तो इक्वेशन नंबर 6 या 7 के अंदर, कोई के अंदर भी इक्वेशन का x की वैल्यू जो है वो पुटअप कीजिए। तो x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 पुटिंग इन इक्वेशन 6, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुटअप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5, ये प्लस है, राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। प्लस के साथ आएगा कि माइनस के साथ? माइनस के साथ आएगा ना, अरे माइनस के साथ नहीं आएगा, प्लस के साथ आएगा, क्योंकि बड़ा डिजिट यहाँ पे क्या है 5 है, और 5 के पास कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस क्या आ गया, समझ में आया। तो अभी हमारा सॉल्यूशन मिल गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू कितनी है 2, समझ में आया, दैट इज योर फाइनल आंसर, समझ में आया। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग पार्ट्स मतलब एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और सेम यही मेथड से। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आंसर यहाँ पे बड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा होने का रीजन क्या था आपको पता है कि मेथड हम लोग ने कैसा यूज किया, और वो मेथड के जरिए हम लोग ने आंसर फाइंड आउट किया है। लेकिन ये बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन छोटा ही है, अगर नहीं समझ में आया तो एक लाइन का भी आंसर जो है आपको बड़ा ही लगने वाला है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके ऐसे पार्ट को आपको समझने में और आपके फ्रेंड को भी समझने में आसानी हो। थैंक यू।